दूसरे दिन बात नहीं सुनी गई, तीसरे दिन फिर कहा चर्चा कराओ, बात नहीं सुनी गई, तो मैं संसद के अंदर जेल में घुस गया, सरकार के खिलाफ नारे लगाने लगा, मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। मैंने कहा तुम एक नहीं 1000 बार सस्पेंड करो, अन्याय के, जुल्म के, जाति के खिलाफ बोलता रहूंगा। और क्या हुआ हापुड़ में, एक महिला अधिवक्ता को पुलिस के लोग परेशान करते हैं, आक्रोश में आके वो महिला पुलिस वाले के साथ बातचीत करती है, कुछ कहा सुनी होती है, उसके बाद अधिवक्ताओं पे लाठीचार्ज, मार मार के उनको घायल कर दिया गया, 20 से 25 अधिवक्ता, 30 अधिवक्ता गंभीर रूप से हापुड़ में घायल कर दिए गए। नमस्कार, मैं नाजमिन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में यूपी पुलिस और यूपी के वकीलों में झड़प देखी जाती है। उस झड़प के बाद यहां पर एक मामला तूल पकड़ता है, वकील यहां पर हड़ताल पर आ जाते हैं और सीधे तौर पर कहते हैं कि यूपी पुलिस को माफ़ी मांगनी पड़ेगी, या यूपी पुलिस के जिन अधिकारियों ने हमारे ऊपर एक तरीके से लाठीचार्ज किया, यहां पर जिस पुलिसकर्मी ने हमारे ऊपर अत्याचार किया, उनके खिलाफ यहां पर मुकदमा चलेगा, यहां पर बाकायदा माफ़ी के साथ साथ यहां पर एक तरीके से उनकी गिरफ्तारी की मांग यहां पर वकील करते हुए नजर आए थे। अब ऐसे में देखा जाए तो यहां पर हापुड़ की बात कहें तो हापुड़ में ये जो मामला उठा, यहाँ पर वकील अब आज एक तरीके से राज्यव्यापी आंदोलन करने के लिए जुट चुके हैं, यानी कि पूरे राज्य में वकील कोई भी काम करते हुए नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पर तमाम वकील उत्तर प्रदेश में जितने भी हैं वो यहाँ पर हड़ताल करेंगे। अब ऐसे में वकील अगर हड़ताल करेंगे तो यहाँ पर कई केस ऐसे हैं जो यहाँ पर एक तरीके से रुक जाएंगे उनके काम। तो अब क्या यहाँ पर वकीलों की मांगों को मांगते हुए यहाँ पर यूपी पुलिस सब उनसे माफ़ी मांगती हुई नजर आएगी? क्योंकि अगर वकील अपना काम छोड़ देंगे तो सिरे से यहाँ पर राज्य की जो जनता है वो यहाँ पर परेशान होती हुई नजर आएगी। सिर्फ राज्य की जनता ही नहीं बल्कि कई ऐसे सरकारी काम भी होते हैं जो यहाँ पर रुक जाएंगे, क्योंकि वकीलों के अंदर खासा नाराज़गी है कि कैसे यहाँ पर पुलिस उन पर हाथापाई कर सकती है, कैसे लाठीचार्ज कर सकती है। यहाँ पर एक मुद्दे को उठाया गया था जिसके बाद अब ये मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि सिर्फ यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात ना करें, उत्तर प्रदेश के अगर अलग राज्यों की बात करें तो वहाँ पर भी हड़ताल की बात यहाँ पर कही जा रही है। अब ऐसे में इस पूरे मामले पर योगी आदित्यनाथ संज्ञान लेते हुए नजर आएंगे, क्योंकि मामला अब यहाँ पर पेचीदा हो चुका है। अब यहाँ पर यूपी पुलिस के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन होगा तभी यहाँ पर यूपी के वकील अपना काम कर पाएंगे। अब ऐसे में क्या यूपी पुलिस माफ़ी मांगती हुई नजर आएगी? क्या लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।